दीन इस्लाम के जितनी भी तालीमात हैं फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक, अल्लाह ताला ने जिस तरह का इंसान को बनाया है और जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों की तालीमात का नाम दीन इस्लाम है। जब हम दीन से हटकर कोई काम करते हैं तो उसका माना ये होता है कि हमारी जो ज़ाती अपनी फितरत है, जो हमारे जबिल्ली तकाज़े हैं, फितरी तकाज़े हैं, हम उन तकाज़ों की मुखालफत करते हैं। दीन बिल्कुल इंसान की फितरत के मुताबिक उसे अहकामात देता है। हमारी दीनी तालीमात का जो बुनियादी नुक्ता है किताब व सुन्नत में वो ये है कि हम उम्मत वस्त हैं, हम दरमियानी उम्मत हैं, अफरातो तफरीद से पाक, शिद्दत से, गुलूव से, तंग नज़री से, इन चीज़ों से पाक, दरमियानी और मोतदिल उम्मत, उम्मत वस्त। अफरात व तफरीद से पाक होना ये इस उम्मत की खूबसूरती है। ना इस तरफ ज़्यादा झुका जाए ना इस तरफ ज़्यादा झुका जाए, बल्कि दीन का हुस्न ये है कि इंसान मोतदल ज़िंदगी गुजारे। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया वला तअतदू, हद से न बढ़ो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मोतदीन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता, महबूब नहीं रखता। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को पसंद नहीं फरमाता जो एतदाल का रास्ता छोड़ जाते हैं। बाज़ लोगों की ये तबीयत होती है कि वो अपनी मिजाज के लिहाज से ही कभी इस परड़े में झुक जाते हैं, कभी इस परड़े में झुक जाते हैं। किसी से दोस्ती हुई तो फिर इस कदर ज़्यादा हुई कि गुलव का शिकार हो गए, जान भी हाजिर, माल भी हाजिर, सारा कुछ ही तू है, घर की बातें भी बता ली, बाहर की भी बता ली, कारोबार की भी बता ली, सब उसी के नाम कर दिया। लेकिन जब उस शख्स के साथ इख्तलाफ हुआ तो फिर दोस्त तो दूर की बात, उसे इंसान मानने से भी माज़अल्लाह इनकारी हो गए। तो ये शिद्दत है, ये तनाव है मिजाज का, इससे इंसान का अखलाकी हुस्न ज़ाया होता है, इससे जो इंसान की इंसानी खूबसूरती है वो चली जाती है। वो किसी ने कहा था कि ताल्लुकात जब हद से गुजर जाएं, हद से गुजर जाएं तो गम मिलते हैं, इसलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मोतदिल रहें, ज़्यादा आगे बढ़ना ही ना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें मोतदिल दीन दिया है, एतदाल वाला, दरमियाना, और फरमाया बेहतरीन रास्ता दरमियाना रास्ता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दरमियानी चाल चलता है वो कभी तंग नहीं होता, जो एतदाल का रास्ता इख्तियार करता है तकलीफ में नहीं आता। मोतदिल चलने वाले लोग जो होते हैं उनका बैलेंस हमेशा ठीक रहता है, अनबैलेंस नहीं होते। तो मोतदिल ज़िंदगी गुजारें, एतदाल पसंद बने, चीज़ों में शिद्दत ना लाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन में भी गुलुव ना करो, फरमाया तुमसे पहले लोग गुलुव की वजह से हलाक हो गए। कुछ लोग गुलुव करते हैं, छोड़ दिया जी मैंने सारा कुछ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं जी, मैंने नहीं ब्याह कराना, मेरा शादी से क्या लेना देना, मैंने घर छोड़ दिया जी, अब मैंने बस तस्बीहें डाल ली हैं गले में जी, मैं अब बस मस्जिद में ही हूँ जी, मैं फलानी जगह, दीन तो इसको पसंद ही नहीं करता। ये तो हुकूक से भागने वाली बात है, शरीयत तो इसको सपोर्ट ही नहीं करती। और मैं ना जनाब छोड़ दिया जी मैंने, मैं कुछ नहीं खाता जी, बस मैं तो रोज़ा रखता हूँ, हर रोज़ सारी रात अल्लाह अल्लाह करता हूँ, इसको पसंद नहीं करता दीन इस्लाम। आपको मोतदिल रहने का कहा गया है। वो जो रहबानियत इख्तियार कर ली थी यहूदियों ने, ईसाइयों ने, गारों में चले गए, निकल गए जंगलों में, तो हुजूर ने फरमाया मेरे दीन में कोई रहबानियत नहीं है। दीन तो कहता है कि आप रूटीन के काम करें, रूटीन के, और रूटीन के काम ही सही करके करें, उसी में आपको अल्लाह की रजा नसीब हो जाएगी। लेकिन ना, हुजूर ने फरमाया जो मेहनत करके रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, सच्चा ताजर जो होगा उसे अल्लाह कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा।
तो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने तो सपोर्ट कर दी, फरमाया जो तू काम कर रहा है यही करते करते तुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, इसी को सही करके कर। ये जो गुलुव है, ये जो शिद्दत पसंदी है, इसे मना किया। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम के घर में तीन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तशरीफ ले गए। उन्होंने जाके नबी पाक अलैहि सलातो सलाम की इबादत का हाल पूछा। चंद सहाबा गए तो अज़वाजे मुतहरात ने इरशाद फरमाया कि महबूब घर तशरीफ लाते हैं, कुछ वक्त आराम करते हैं, कुछ वक्त हमें देते हैं, कुछ वक्त इबादत में गुजारते हैं। अब वो तो गए थे जाके ये मालूमात करेंगे, ओहो के सरवरे कायनात तो सारी रात अपने रब को याद करते हैं। हमारे यहाँ भी लोग पीरी मुरीदी के सिलसिले में जब कहीं जाते हैं तो उनका ख्याल होता है कि जो पीर साहब होते हैं ना जी, ना वो रोटी खाएं, ना उनके हाथ में मोबाइल नज़र आए, ना वो हंसें, ना उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हों, बिल्कुल एक फ़कीर आदमी। और जब भी हम जाएँ ना वो थोड़ी, और लोग करते भी हैं ये काम इल्ला माशाल्लाह, लोगों को दिखाने के लिए वक्ती तौर पर बाज़ जगहों पर यह सिलसिला होता भी है, लेकिन ये वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जो हमें रसूल पाक ने सिखाई है। ये वो दीन नहीं कि आप बिल्कुल कट गए और आप हैरत अंगेज़ बात कर रहे हैं और आप जनाब बिल्कुल दुनिया का आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो रहबानियत है और इस्लाम इसको कबूल नहीं करता। वो सहाबा किराम अली मुरीदवान ने नबी पाक अलैहि सलाम के अहवाले शरीफा सुने तो वो कहने लगे कि नबी पाक के सदके तो अल्लाह अगले पिछलों को माफ़ करेगा, हुजूर तो महबूब हैं। ये सुन के अब उन्होंने अपने दिल में जो इरादा किया, कहने लगे महबूब तो वराउल वरा हैं, लेकिन हम चूँकि गुनाहगार लोग हैं, आम आदमी हैं, हम इस तरह करेंगे कि हम सारी रात अल्लाह की इबादत करेंगे। हुजूर तो महबूब है ना, चलो कुछ देर आराम भी करते हैं, हम सारी रात इबादत करें। एक ने कहा कि भाई मैं तो हर रोज़ रोज़ा रखा करूँगा नफली। तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही वक्त गुजारूँगा, तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारूँगा। रसूल पाक अलैहि सलाम को जब इस बात की खबर पहुँची तो पते हुजूर ने तबसरा क्या किया, कुर्बान जाएँ। क्या अंदाज है गुफ्तगू का। महबूब फरमाने लगे ये मैंने क्या सुना है कि मैं शादी नहीं करूंगा और मैं हर रोज़ रोज़ा रखूंगा और मैं सारी रात ही नफल पढ़ूंगा, आराम ही नहीं करूंगा। महबूब फरमाने लगे मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानता हूं और मैं तुम सबसे ज़्यादा रब से डरता हूं। हुजूर फरमाने लगे मैंने तो शादियाँ भी की हैं, मेरे तो बच्चे भी हैं। हुजूर फरमाने लगे मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और मैं तो नफली रोज़े छोड़ता भी हूँ। महबूब करीम अलैहि सलातो सलाम फरमाने लगे मैं तो रात को इबादत भी करता हूँ और आराम भी करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते फरमाते बात कहाँ तक ले गए। हुजूर फरमाने लगे अपने ये सारे तरीके, अपनी ये सुन्नत हुजूर बयान करके कहने लगे सुन लो भाई, जिसने मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ा उसका मुझसे ताल्लुक ही कोई नहीं, मेरे तरीके पर चलो। जो मैं तुम्हारे लिए उसवा छोड़ के जा रहा हूँ उस उसवे को अपनाओ, उस तरीका मुबारका पर अमल करो, इतदाल ना छोड़े कभी भी। गैर मोतदिल हो जाते हैं लोग, मैंने देखा है कि वो ना जब बंदा गैर मोतदिल हो जाता है तो चीज़ों का हुस्न ख़त्म होता है, उसका वक़ार उठ जाता है, उसमें ताजगी नहीं रहती, उसके अंदर वो कैफियत नहीं रहती। ये दीन की बात है ना, तबलीग है, ये भी हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने कहा था हमारा दिल करता है आप रोज़ वाज करें, रोज़ तकरीर करें, हम रोज़ सुने। तो आप फरमाने लगे नहीं, हफ्ते में तीन दिन बात करूँगा। उतनी बात करेंगे जो मोतदिल रहे, जो हद से ज़्यादा न बढ़े। वो हमारे यहाँ रिवाज है ना ढाई घंटे की तकरीर का, तीन घंटे की तकरीर का, चार घंटे की तकरीर का। तो हमसे लोग कई दफ़ा कहते हैं, कहते हैं असी तो जो गल समझन लगे सर तुम ख़त्म कर देती। तो मैंने कहा आप शुरू लेट हुए ना, हम अल्लाह के फजल से पहली बात से शुरू हो गए थे, हमने वो आधा घंटा तमहीद पे नहीं ना लगाया। तजावुज़ ना करें चीज़ों से, इतदाल में रहें। देखिए इस्लाम हमें ये कहता है कि तुम खाना खाओ, कुलू वशरबू, खाओ भी पियो भी, तमाम जायज़ चीज़ें खाने की इजाज़त है। लेकिन नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कमर सीधी रखने के लिए खाओ, और जब तुम्हारा बड़ा जी चाहे ना पेट भर के खाने को तो करीम फरमाने लगे फिर भी तीन हिस्से करो खाने के, एक हिस्से में हवा हो, एक में पानी हो और एक में खुराक हो।
फिर भी पेट भर के ना खाओ, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे किसी ने इतना बुरा बर्तन भरा ही नहीं जितना किसी ने अपने पेट को भरा, सबसे बुरा बर्तन तुमने भरा। ज़्यादा खाएंगे ख्वाहिशात ज़्यादा पैदा होंगी, ज़्यादा खाएंगे नींद ज़्यादा आएगी, ज़्यादा खाएंगे गफलत ज़्यादा तारी होगी। लेकिन कुछ लोगों का मकसद ज़िंदगी खाना है, सुबह की प्लानिंग अलग है, दोपहर की अलग है, शाम की अलग है। आप हैरान रहेंगे कि आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें सबसे बेहतरीन बिजनेस होटल चलाने का बिजनेस है, खाने पीने का काम करो, ये भी बना लो ये भी बना लो, अच्छा भला खा पी के उसके बाद फास्ट फूड का ऑर्डर दे दिया जाता है, और खाने के बाद कितनी सारी चीज़ें। अब तो ये मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ, अच्छा भला खाना खाते हैं उसके बाद चाय के साथ बिस्कुट आ जाते हैं। मेरा एक गरीब घर से ताल्लुक है, हम तो उस वक्त चाय के साथ बिस्कुट खाते थे, रस खाते थे जब रोटी कोई नहीं होती थी या रोटी खाने का प्रोग्राम नहीं होता था, कोई परहेज चलती थी। लेकिन अब वो लवाजमात चाय के साथ, अब तो लोग चाय का, अब जी आपका खाना नहीं पकाना चाय पकानी है, तो चलो ठीक है चाय पक गई, अब वो चाय पक रही है उसके साथ जनाब भुना हुआ गोश्त पड़ा है, उसके साथ पिज़्ज़ा आ गया है, उसके साथ फलानी चीज़ आ गई, ये क्या है जी। अच्छा फिर वो ख्वाहिश भी होती है बाज मेज़बानों की कि अब ये तारीफ़ भी करें, वो सारा कुछ रख के तो साथ ये भी कह रहे होते हैं तुसा चूँकि रोटी डाक छड़ी सी लिहाजा फिर हमने ना ये सारा कुछ किया है। यानी वो कह रहे होते हैं कि मेहमान अब ये कहे कि ओहो आपने तो बड़ा तकल्लुफ़ कर दिया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो कई मेहमान मेरी तरह के बड़े पके होते हैं, जो रोज़ के मेहमान होते हैं ना बड़े पके होते हैं, वो तरीफ शरीफ कोई नहीं करते, वो साफ ही बात करते हैं कि तुम एक शहर रख देते असी भी चज नाल खा लेंगे। अब तो ये चखने चखाने का ही माहौल है, कोई एक रखते या हमारी मर्ज़ी की रखते या पूछ लेते हैं कि इस टाइम रोटी खानी है तो चलो हम खाते। ये लवाजमात हैं, ये तकल्लुफात हैं, इसमें घर वाले भी तकलीफ में, पैसा भी बाज़ों का ज़ाया। आप खाने के लिए ज़िंदा ना रहें, ज़िंदा रहने के लिए खाना खाएं, अपनी तबीयत में बोझ ना बनाएं किसी किस्म का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिन की शान पता क्या बयान की, फरमाया काफिर और मुनाफिक 7 आंतों से खाता है और मोमिन 1 से खाता है। इतना फ़र्क है काफिर मुनाफिक के खाने में और मुसलमान के खाने में, 6 गुना कम रोटी खाता है मुसलमान, 6 गुना कम। हज़रत उमर फारूक मुल्क के शाम में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा से मिलने के लिए गए तो कहने लगे इतनी दूर से आया हूँ सिपा सालार और रोटी तो खिला। तो उन्होंने अपने बैग से रात का खुश्क टुकड़ा खाने का निकाला और पानी का प्याला दे के कहने लगे उमर ये लो खा लो। तो हज़रत फारूक आज़म कहने लगे यही वो मज़ेदार रोटी थी जिसके लिए मैं तेरे पास आया था, यही वो खाना था, मैं तलाश कर रहा था कि ये तुम्हें मिलेगा। किधर गए वो लोग जो रात के खाने में फ्रिज भी नहीं होती थी, रात के खाने में थोड़ा पानी डाल दिया अम्मा ने, उसको 3-4 दफ़ा उबाल लिया, रात की रोटियों में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा घी, पूरा घी नहीं थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा घी, और साथ दादी नानी ये भी कह रही है कि ये पानी से ज़रा नरम हो जाएगी रोटी, और फिर वो खाना खाया जा रहा है। उसके अंदर ना तो डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि ये नुकसान का बायस है, ना मेदे पे बोझ बन रहा है, ना उसके लिए फिर भाइयों को जाके परदेश काटना पड़ रहा है, ना बाप को कई कई किस्म की नौकरियां करनी पड़ रही हैं, इत्दाल में घर के अंदर ही सारा कुछ मैनेज है। ये वो हुस्न है जो इस्लाम कहता है तुम गैर मोतदिल हो गए, तुम हद से बढ़ गए, तुमने जिंदगी सारी खाने पीने पर लगा दी। और भाई मन चाही नेमते तो जन्नत में मिलेंगी, हमने तो मज़े मज़े के खाने वहाँ जाके खाने, वहाँ मिलेगा फल और वहाँ मिलेगी नेमते जो बार बार मिलेंगी, चेहरे एक जैसे होंगे पर जायका बड़ा मुनफरद से मुनफरद नज़र आएगा। तो वो जो पर्दा है गैब में चीज़ें थी वो सारी चीज़ें लोग कहते हैं आज ही हम सारी गैर मोतदिल ना बने, थोड़ी सादगी लाएँ, थोड़ा दरमियाना राह, इस्लाम उसको पसंद करता है। नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह में एक मेहमान आया, अभी वो मुसलमान नहीं था, तो महबूब ने फरमाया एक बकरी का दूध धो के इसे पिला दो। एक बकरी का दूध धोया गया पिलाया गया, फिर दूसरी का दूध धोया गया पिलाया गया, फिर तीसरी का, वो 7 बकरियों का दूध पी गया। सुबह अल्लाह ने तौफीक दी दी और वो कलमा पढ़ गया।
अब नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इसे बकरी का दूध धो के पिलाओ। एक बकरी का दूध पिया, दूसरी का पी ना सका, रात सात का पी गया था। तो मेरे करीम फरमाने लगे ये मोमिन और काफिर का फ़र्क है। जब तक ये हालत कुफर में था सात बकरियों का दूध पी गया, अब ये मोमिन हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूध के साथ ही इसे सैर फरमा दिया है। इसकी तिश्नगी और भूख अल्लाह ने मिटा दी खाने पीने के लिए, और इसका जेन भी ना बनाए। मैं जानता हूँ जिन घरों में बच्चे इस मिजाज के हो जाते हैं, इस तबीयत के हो जाते हैं कि आज ये खाना है, कल वो खाना है, परसों वो खाना है, वो वह फिर खाने पीने में सारा वक्त गुजरता है। फिर वहाँ देखा है कि अम्मा बेचारी बवर्ची खाने में ही रहती है, फिर वहाँ सिर्फ एक ही सिलसिला है कि खाओ कितना को खा सकते हो, तो मोतदिल रहें। तीसरी बात ये कि रिस्क कमाने के मसले में भी मोतदिल रहें, कारोबार करें, मेहनत करें, मनसूबाबंदी करें, कोशिश करें, लेकिन पैसे कमाने के मसले में डिप्रेशन का शिकार ना हो। यानी इसको ना जीने मरने का मसला ना बनाएं कि अगर एक महीना कारोबार सही चमका है तो सेहत भी ठीक रही है, और अगले महीने अगर थोड़े हालात ख़राब हुए हैं तो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है। इसको नफ्सियाती मसला ना बनाएं। पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, दो चार पाँच दोस्तों से प्यार है तो दो चार दफ़ा उन्हीं दिनों में ना साल के बाद आके मुझे, कुछ दिन आते हैं ना कारोबार, उन्हीं दिनों में आके उन्होंने मुझसे कहा, दूर से आए, कहा जनाब हम कारोबारी बंदे हालात ठीक नहीं, कोई दुआ बताएं। तो मैंने कहा जिन दिनों ठीक होते हैं उन दिनों क्यों नहीं आते, या आजकल हालात बड़े अच्छे हैं कुछ शुक्र का तरीका बताएं, क्यों नहीं आते? क्या फ़लसफ़ा हमने इख्तियार कर लिया है? रिस्क का वादा अल्लाह का है, उसको कमाने में और पैसे कमाने में मेहनत करने का हुक्म दिया गया है। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जद्दोजहद करो, निकलो अल्लाह पे भरोसा करके निकलो, जिस तरह वो परिंदों को रोजी देता तुम्हें भी देगा, लेकिन उसमें नफ्सियाती मसला ना बनाया जाए, नफ्सियाती ना बनाया जाए। हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने ना एक जुमले के अंदर इस मजमून को इतने हसीन अंदाज में समेटा है ना कि मुसलमान, ये इब्ने माजा में मौजूद है, मुसलमान अगर इन दो जुमलों को कभी समझ जाए ना तो सुकून आ जाए जिंदगी में, इत्मीनान नसीब हो जाए, तयक्कुन की दौलत मिले। हुजूर फरमाने लगे रिस्क कमाने के मामले में मोतदिल रहना, कोई बंदा उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक उसके हिस्से का रिस्क उसे मिल ना जाए। उतनी देर तक बंदा दुनिया से नहीं जाएगा, तेरा हिस्सा तेरे तक पहुंचेगा, कभी भी बेआबरू हो के रिस्क कमाने के चक्कर में ना पड़े, कभी भी जेन पे सवार ना कर लें कि मेरा काम नहीं चल रहा, कभी भी इस तरह की तबीयत ना बनाए। और मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि एक बुजुर्ग ने ना दो कंजूस लोगों को पहले बुलाया, कंजूस आदमी थे इल्ला माशाल्लाह, तो उनके सामने खाना रखा, खाना बड़ा बेहतरीन आला क्वालिटी का, लेकिन उनसे कहा कि जनाब हमने ना एक सबक लेना है आपसे, तो खाना तो आपको मिलेगा और आपकी मर्जी का पकाया है, पर खाने का तरीका हमारा है। उन्होंने क्या किया, यहाँ से रख के ना उनके हाथ बांध दिए, वो पुराने ज़माने में जो जर्रा होते थे बाजू टूट जाता था तो बांध देते ना लकड़ियाँ रख के, तो लकड़ियाँ रख के ना हाथ बांध दिए ताकि ये जोड़ मोड़ ना सके, तो यहाँ से हाथ बांध दिए का रोटी खाओ, कंजूस बंदे थे। अब उन्होंने लुकमा उठाया हाथ बंधा हुआ, यहाँ से ले जा कर जब मुँह में फेंका वो कपड़े भी सारे उलझ गए, हाल भी ख़राब हो गया, पर खाया उन्होंने मज़ा लेके पूरा, वो बड़ी बुरी हालत हो गई, वो कंजूस थे दोनों, दोनों को दस्तरखान पे रोटी खाई जा रही। अब उन दोनों को समझाने के लिए कहा कि अब हम तुम्हें दो और लोगों से भी मिलवाते हैं। अब दो वो बंदे बुलाए जो दिल के सखी थे, जो रिस्क के मामले में इसकर ज़्यादा हरीस नहीं थे, उनकी भूख जो थी वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा जनाब इधर आए आप दोनों भी, उनके भी हाथ बांध दिए गए, कहा आपने रोटी खानी है, आप नफीस लोग हैं, नाराज ना होइएगा, सखी बंदे हैं, पर खाना आपने खाना है, पर हमारी मजबूरी है, हमने आपके हाथ बांध के रोटी देनी है आपको। वो दो बंदे भी आमने सामने बिठा दिए गए, खाना चुन दिया गया, हाथ यहाँ से बांध दिए गए, लेकिन वो सखी थे,
उनने कहा जनाब कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला तौफीक देगा। उन्होंने क्या किया, वो लुकमा लगाते और एक दूसरे के मुंह में डालना शुरू कर देते, खाना भी खा लिया, कपड़े भी बच गए, नफासत भी कायम रह गई, और किसी किस्म की कोई परेशानी आई, काम खासा मुश्किल है किसी के मुंह में लुकमा देना, काम बड़ा मुश्किल है, यानी खाना आ जाए, पक जाए, पास पहुंच जाए, और फिर उसे तोड़ के बना के इतनी मेहनत करके दे किसी के मुंह में देना, लेकिन ये दे के देखो कपड़े बच जाएंगे इंशाल्लाह, नफासत नजर आएगी, हुस्न नजर आएगा, खूबसूरती नजर आएगी, इसमें लताफत महसूस होगी, इसमें लगेगा कि ये बंदा ऐसा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता फरमाया है। तो गैर मुतदिल तरीका बंदे को रुसवा कर देता है, रुसवा कर देता है, वो माल कमाने तो निकलता है लेकिन वो कमजोर हो जाता है, उसका मिजाज और तरह का हो जाता है। मैंने देखा है वो जनाब सारी दुनिया छुट्टी पे है लेकिन इसने कहा चलो आज मैं दुकान खोल लेता हूं, गाह कहीं भी नहीं आएगा तो चलो सारे आज मुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। रिस्क अल्लाह ने तकसीम फरमाया है और जिसका है वो उस तक पहुंच जाता है। तो गैर मोतदिल तरीका और रुसवाई वाला तरीका कभी भी इख्तियार, इसी तरह का मामला सखावत में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह दिन चढ़ता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं, कहते या अल्लाह सखी को ज्यादा अता फरमा, उसे ज्यादा दे। हुजूर फरमाते हैं जो सखी होता है ना ये लोगों के भी करीब होता है, अल्लाह ताला के भी करीब होता है और जन्नत के भी करीब होता है, और ये जो कंजूस होता है ये लोगों से भी दूर होता है, अल्लाह ताला से भी दूर हो जाता है, जन्नत से भी दूर हो जाता है। सखावत बड़ी आला चीज़ है, लेकिन इसमें भी मोतदिल रहने का कहा गया है। मोतदिल कुछ लोग ऐसे हैं जो सखी नहीं होते, ये मैं कोशिश करूँगा तशरीह आपके जहन के मुताबिक कर लूँ। सखी मिजाजन सखी, लेकिन अगर कभी चिढ़ जाए ना वो जितने मर्जी पैसे ले लो उनसे, मिजाज में सखावत नहीं, लेकिन अगर तबीयत है इस तरह की कि अगर उनका जहन आ गया ना कभी कहीं किसी ने तारीफ कर दी है, पूरी खुशामद उसने कर ली है, तो फिर तो जनाब सारी जेब भी आप खाली करा दे, ये मिजाज की सखावत नहीं है, ये तो आपकी तबीयत का वो उबाल है कि अगर किसी बंदे को पता चल गया है कि किस तरह करके आप काबू आते हैं तो फिर वो रोज़ इस्तेमाल करेगा, और ये होता है, ये माहौल होता है। मैं चूंकि मजहबी माहौल से ताल्लुक रखता हूं, मैंने खुद ये देखा है कि कोई शख्स अगर उसने ज्यादा बड़ा मुंह खोल के लोगों से मांगना शुरू कर लिया तो फिर तो जनाब बड़ी बात है, महंगा आदमी, और अगर कोई अपनी वजादारी कायम रखता है, खुशामद नहीं कर सकता, उसकी तबीयत नहीं है कि वो 20-50 लोगों की खुशामद करे, 10 को हाजी साहब कहे, 20 को आश के रसूल कहे, और 30-35 को कहे जनाब बड़ी बात है, हमने तो बड़ा देखा है, आप तो बड़े बेहतरीन लोग हैं, तो फिर जनाब वो अगर ये काम उसे करना आता है तो फिर इसका मतलब है उसे दिहाड़ी भी अच्छी लगानी आती, फिर उसकी आवाज़ का भी ज़्यादा सुरीला होना ज़रूरी नहीं, फिर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, फिर बस ठीक है, अब मैं क्या इस पर तबसरा करूँ, फिर तो हम देख रहे होते हैं जिसको वो आश के रसूल कह रहे होते हैं ना, और ऐसी ख़तरनाक, मेरे सामने एक नात है एक साहब से कहने लगा, नात हुजूर की पढ़ी जा रही है, कभी शोरा एक काम करते थे, वो कहते थे शेर तेरी नज़र है, वो गज़ल का शेर है या कोई ऐसा शेर है, लेकिन एक शेर है नात का, उसमें तो हुजूर की तारीफ है, नबी पाक की तारीफ का शेर किसी बंदे की नज़र कैसे हो सकता है जब उसमें जिक्र ही रसूल पाक का है। तो वो नात खान साहब कहने लगे, बंदा सामने बैठा है थोड़ा बहुत मैं भी उसे जानता ही था, तो उसे कहने लगे हाजी साहब ये शेर तुहाड़ी नज़र है, मैं उन्होंने आख्या तू मेहरबानी कर एदी नज़र कोई और शह कर लिया, ये तो नात है हुजूर की, ये नबी पाक के लिए ही रहने दे, इसकी नज़र तूने कर दी है, तो नाले मैं क्या ये हाजी जी नहीं देर तक पीछे बैठा सी उन्हें देर तू नज़र की नहीं, उन दथियाँ लैके सामने आया तो तू नज़र ने आज शुरू कर ली, न करें ये काम, इससे कोफ्त पर, और आप यकीन करें मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, ये काम करने वाला भी तंग होता है, और जिसके लिए कर रहा होता है पता उसे भी सारा ही होता है कि चक्कर क्या चल रहा है, सब पता होता है, तो इस तकल्लुफ में जब इंसान काम करता है तो कहाँ तक बात जाती। सखावत करें लेकिन चिढ़ कर कोई काम न करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर फरमाने लगे इस तरह खैरात ना करना कि तुम्हारे अपने बच्चे बाद में लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे। हज़रत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے رستے میں دے دوں. تو حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، تو چوتھا حصہ دے، تین حصے اپنی بچی کے لیے، بیویوں کے لیے، باقیوں کے لیے رکھ لے، لیکن تو یہ کام نہ کر. تو میرے عزیز، زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کریں. مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے، کہ اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے 20,000 دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں 50,00,000 پڑا ہے. وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے، ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے، لیکن افراط و تفریط سے بچنا ہے، بچنا ہے. اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سادگی کو پسند کیا ہے. حضور سادگی کو پسند کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی، لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ دو جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لے، دو جوڑے جمعے کے لیے رکھ لے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لباس پرا گندا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور رب جب فضل کرے تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے. فرمایا تو اچھا لباس پہن، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا. رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتا مبارک ہے، اسی میں محبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کتنے کتنے دن گزرے. میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نا تو میں، یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کریں تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگھی بھی فرماتے تھے، تیل بھی لگاتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، سرما بھی پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا. اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، زینت کی اجازت دیتا ہے. آپ کنگا کریں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، صاف لباس پہنے، کپڑے دھلے ہوئے پہنے. حضور نے حکمن کہا، تاکیدن کہا کہ جمعے والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو. اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، بس نمائش سے منع کرتا ہے. دکھاوا نہ کرو، نمائش نہ کرو. یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکھ کا پہننا ہے، ذرا لگ پتا جائے لوگوں کو. یہ نہ مزاج بناؤ کہ اوہو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہنا تھا، یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا، نکاح والے. یہ نمائش ہے، نمائش سے اسلام منع کرتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اس طرح کا لباس پہننا چاہا، اس طرح کے کپڑے زیب تن کرنا چاہے جس سے محسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یہ معتدل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا؟ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے. ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے، وہ خاص، جس طرح کھانے پینے میں معتدل رہیں، کمائی کرنے میں معتدل رہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، لباس میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، اسی طرح نا یہ آرام کرنے میں بھی ذرا معتدل رہیں. بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل. آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے. اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فریش رہے گی. لیکن اگر آپ کہیں، وہ ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں. تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا، دیکھتے ہیں کتنے بجے اٹھتا ہے. ماشاء اللہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں. تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں 2 بجے خود ہی اٹھ گیا تھا. نہیں، رات ایک شخص سویا ہے اور اگلے دن 2 بجے سویا. تو اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلیں رات آپ
सो गए, समझ लें आप सो गए 2 बजे रात को, 12 घंटे के बाद अगर आप उठे, तबीयत कैसी थी? कहने लगी फ्रेश नहीं थी। मैंने कहा फ्रेश तभी होती है अगर आप फजर में उठ के वुजू करके नमाज पढ़ते, फ्रेश ये तभी होती है अगर आप सहरी, आप अपनी रूटीन के मुताबिक उठते और अपनी ड्यूटी पे जाते, वापस आते और थक के सोते। बहुत ज्यादा आराम पसंदी, और जब से ये साथ मोबाइल अटैच हुआ है, एक कोना मिल जाए, एक तकिया मिल जाए और मोबाइल की बैटरी मौजूद हो और सर्विसेज उसकी सारी ठीक हो, फिर हमें आवाज़ कोई ना दे, इससे क्या होता है, वजूद बिल्कुल सुस्त हो जाता है। आपको अल्लाह ताला ने जो कुदरती सलाहियतें दी हैं, आप जो कुछ कर सकते हैं अपने घर के लिए, वतन के लिए, माँ बाप, वो आप नहीं कर पाएंगे। जंग आलूद हो जाएगा वजूद, हर वक्त की थकावट, हर वक्त का मिजाज के अंदर सुस्ती का आ जाना, एतदाल से ना निकले। नींद 7-8 घंटे बहुत काफी है, और वो भी मैं आपको एक जाती बात बताता हूं, अगर अल्लाह चाहे ना बंदे की नींद पूरी हो तो कई दफा सिर्फ 20 मिनट आंख लग जाए तो बंदा फ्रेश हो जाता है, और अगर मंजूर ना हो मालिक करीम को तो फिर ठीक है लोग लेटे हुए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना बहुत ज्यादा आराम तलबी को पसंद नहीं करते, मुसलसल जद्दोजहद, घर आए कुछ देर आराम किया, नमाज शुरू कर ली, हुजूर तहज्जुद में उठ गए, फिर हुजूर फजर में उठ गए, दोपहर में थोड़ा सा आराम फरमाते ताकि रात को बेदार रहना आसान हो, लेकिन बहुत आराम पसंदी। हमारे हजरत साहब फरमाया करते थे जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। वो किसी ने कहा था जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तू हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। सोना ही है ना, मरने से लेकर कयामत तक सोना है ना, तो अब तो जागने का वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत माज़ इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बना के भेजा तो नसीहत फरमाई थी। हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया था तुम्हें गवर्नर बना के भेज रहा हूँ, ऐश कोशी से बचना। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह के बंदे आराम तलब नहीं होते, रब के बंदे तो मेहनत करने वाले होते हैं, जद्दोजहद, वहां जाके ऐश कोशी से बचना। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। ये जो आराम है ना, हमें बुलाए कोई ना, आवाज़ कोई ना दे, वहाँ मर्जी से, अब तो छुट्टी है जी, अब तो मैंने सवेरे उठना ही नहीं। ओ भाई ढेर सारे काम हैं जो छुट्टी वाले दिन करने के, ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं जो छुट्टी वाले दिन पूरी करने की। अपनी जिंदगी से, अपने वजूद से कुछ नफा लें, ऐसा ना हो कि ये बेकार हो जाए। लेकिन अगर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खाने पीने में, लिबास पहनने में और बातें करने में लग जाए तो फिर तो आप बेकार हो जाएंगे। फिर तो महसूस होगा कि जैसे इंसान ना ख्वाबों की दुनिया में जिंदा है, बातों के साथ अपने दिल को मुतमईन करता है, उसने अच्छा लिबास पहन लिया है, बस आईने में अपने आप को देख के खुश होता रहता है, तरह तरह के खाने मंगाता रहता है, बस ज़ुबान के जायके पूरा करता रहता है। इमाम तबरानी हदीस लाए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो रंग बरंगे खाने खाएंगे, अनवाओ अकसाम के मशरूबात इस्तेमाल करेंगे, तरह तरह की जेबो जीनत करेंगे और मुंह फाड़ फाड़ के बातें करेंगे, मुंह खोल खोल के गुफ्तगु करेंगे। हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया ये मेरी उम्मत के बदतरीन लोग हैं, ये बदतरीन लोग हैं जिनका मकसूद ही सिर्फ लिबास पहनना है, मकसूद ही सिर्फ खाने खाना है, मकसूद ही मुंह खोल खोल के बातें करनी है। इन लज़ात में जो लोग पूरी तरह उलझ गए, कोई खैर का काम ही ना कर सके, कोई मकसद ज़िंदगी की तरफ ही ना बढ़ सके, ये बदतरीन लोग हैं। अजीज़ दोस्तों, इन तीन चीज़ों में ढेर सारे लोग, अल्लाह ताला माफ़ करे, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह सब को महफूज रखे, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करते दिखाई देते हैं। या तो खाने पीने का शौक़ है, या लिबास की ज़ीबो ज़ीनत की तरफ तवज्जो है, या बस नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन बैठे हैं और बातें की हैं और उठे और इतनी बातें की हैं, इतनी बातें की हैं, इसमें भी कोई एतदाल नहीं। बहुत ज़्यादा बोलने से वक़ार चला जाता है, बहुत ज़्यादा बातें करने से बातों का हुस्न ज़ाया होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाले के जुमले कीमती नहीं रहते।
बहुत ज़्यादा बातें करने वाला आदमी बेवजन और बेवकूत होने लगता है। बग़ैर मांगे मशवरा देने वाले लोगों के मशवरों को लोग रद्दी की टोकरी जानने लगते हैं। अपनी ज़िंदगी को अगर वज़ादार और बावकार बनाना चाहते हैं तो ज़रा लिबास में भी सादगी हो। अल्लाह की हर नेमत खुश दिली से इस्तेमाल की जाए। सादा खाना भी मिले तो रब की अता समझ के रग़बत के साथ, शौक के साथ उसे इस्तेमाल किया जाए। मजलिस में बैठा जाए तो सीखने की कोशिश की जाए, दूसरों की बातों को सुना जाए। अल्लाह ताला ने ना कान दो दिए हैं, ज़ुबान एक दी है। माना क्या है? डबल सुनना चाहिए और सिंगल बोलना चाहिए। दो गुना सुने और उससे आधी गुफ्तगू करें। और हमारे हज़रत तो फरमाया करते थे, अपने जुमलों को छोटा करो। जो बात थोड़े जुमलों में कही जा सकती है उसे लंबे जुमलों में ना कहो। हर बात की वजाहत करना और हर बात का पस मंज़र बयान करना और बात को इतना लंबा कर देना कि असल बात ही उसमें से रह जाए, बीच में से मुद्दा ही ख़त्म हो जाए, आने का मकसद ही किसी को समझ में ना आए, इससे भी इंसान इतदाल का रास्ता छोड़ता है। तो फरमाया वला तअतदू, हद से ना बढ़ो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन का जो हुस्न है एतदाल पे रहना उस पे हमेशा कायम रखे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुर गए यार जुदाइयां वाले, ओ मैनू छड़ गए विच परदेसा, होय उठन जोगी ना छड़ गया मैनू, हो बैठी हंजुआ हार पर।